देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ बेटी की गुहार, पापा को बचा लो सरकार, विधायक के सामने पुलिस है सरेंडर, जबरन फंसा रही है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। व्यूअर्स, आज पूरा देश एक सवाल का जवाब मांग रहा है। पूरा देश आज पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक बेटी जो रो रही है और पूरा देश उसकी वीडियोस को शेयर कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश उसकी वीडियोस को शेयर कर रहा है, लेकिन वो जो बात कहना चाह रही है उसको कोई सुनना नहीं चाहता। नो वन। वो कह रही है कि उसके पूरे परिवार को विवादों में फंसा कर उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है और इसमें वो नेम ले रही है। इसमें वो सीधे तौर पर एक सिटिंग बीजेपी एमएलए पर आरोप लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर सोचिए कि उसका एक भी आरोप अगर सत्य होता है और आगे चलकर कोई भी अनफॉर्चुनेट, टोटल अनफॉर्चुनेट कोई घटना हो जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। मैं बात कर रहा हूं पीलीभीत की, एक वीडियो जो वहां से निकलता है शिल्पी गुप्ता का, और वो लड़की कहती है कि सिटिंग एमएलए उनके पिता पर लगातार तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनको केसेस में फंसा रहे हैं और पुलिस उनके सामने टोटली सरेंडर है और उनके कहने पर पुलिस केस कर रही है, उसके भाई पर केस कर रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और इस पर कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा, कोई भी। और इसको लेकर, पीलीभीत के इस पूरे मामले को लेकर आज भारत जवाब मांग रहा है और भारत पूछ रहा है कि क्या पीलीभीत में पुलिस पर राजनीतिक दबाव है क्या, और भारत पूछ रहा है कि क्या विधायक के कहने पर मुकदमे किए जा रहे हैं। एक और सवाल कर रहा है कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी, क्योंकि पुलिस तो खुद आरोपी है तो इसमें निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। एक और सवाल, शिल्पी गुप्ता झूठ बोल रही है, ये बात 100% सच कैसे है? अगर वो झूठ बोल रही है, ये बात 100% सच कैसे है? क्या मामले को संज्ञान में लेकर सरकार को जांच नहीं करनी चाहिए? ये वो सवाल है जो वाजिब है, क्योंकि आरोपों की जांच होनी चाहिए। शिल्पी गुप्ता अगर बीजेपी एमएलए पर आरोप लगा रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और वो कह रही है कि मेरे पिता की निष्पक्ष जांच करें, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? एक रोती बेटी उत्तर प्रदेश में अपना वीडियो वायरल कर रही है और उस पर कोई संज्ञान नहीं है। आज हम खुद सीधे शिल्पी गुप्ता को जोड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। शिल्पी गुप्ता को लीजिए जरा। तो सीधे आपको लिए चलते हैं पीलीभीत से। दुर्गाचरण गुप्ता की बेटी शिल्पी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एट नाइन में। शिल्पी जी, सबसे पहले तो ये बताइए मुझको, अभी हम आपका एक वीडियो दिखवा रहे थे, वो वीडियो काफी जगह चल रहा है, काफी जगह प्ले हो रहा है, तो उस वीडियो को लेकर ये बताइए शिल्पी जी, आखिर किन परेशानियों के साथ इस वक्त आपका परिवार जूझ रहा है, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो जरा खुलकर बताइएगा आपकी क्या समस्या क्या है, ताकि ये जो वीडियो है ये जब योगी आदित्यनाथ जी देखें तो उनसे भी हम सवाल करेंगे कि आखिर एक बेटी रो रही है उनके प्रदेश में, क्या है बात, क्या है पूरी बात बताइएगा। 127 विधानसभा से संजय सिंह गंगवार विधायक बने, हमने उन्हें खुद भी लड़ाया, मेरे पिता भी 35 साल से बीजेपी में थे और मेरी माँ चेयरमैन है झानावास से, वो भी बीजेपी से ही चेयरमैन है। मेरे पिता एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है, मेरे पास सारे सबूत है, सब कुछ है, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। जहाँ पर इतने सारे लोग लगे हुए हैं हमारे पीछे कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। नहीं देखिए, आप परेशान मत होइए, अब हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई जो है इस पे हम भी आपके साथ आ गए हैं, आप परेशान मत होइए, सबसे पहले तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है शिल्पी जी, जरा शुरुआत से बताइएगा, क्रम वाइज बताइएगा, क्योंकि आप भी बीजेपी से थे पहले, अभी बताया गया है कि 3 महीने पहले ही आपके पिताजी ने बसपा का दामन थामा है, उससे पहले आप भाजपा में थे,
तो जब आप भी भाजपा में हैं और जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो भी भाजपा से हैं, आप एक ही पार्टी में हैं, तो ऐसे में वो कौन सी बात है, क्या बात है, अंदर की बात बताइएगा, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि वर्तमान विधायक द्वारा लगातार आपके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है, आपके पिता पर जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, बात क्या है? दरअसल बात ये, मेरी जो पिता हैं वो कभी भी 420 का काम कोई करते ही नहीं है। उनने 2% कमीशन मांगा, मेरे पिता ने विरोध किया उसका। उनने मंदिर तोड़वाया, उसका पापा ने मेरे विरोध किया। उसके बाद ये लड़ाई उनने कहा चलती चली गई। उसके बाद तो 25 फरवरी को मेरी माँ की मैरिज एनिवर्सरी, 20 फरवरी को मेरी माँ की मैरिज एनिवर्सरी थी। जब तब 20-30 हजार आदमी उसमें आया। उन्होंने कहा विधायक को लेकर हम बहुत परेशान है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ किया, उनका बहुत विरोध है। तो फिर जैसे सबने कहा कि हम चाहते हैं अगले विधानसभा में चुनाव लड़े, मेरे पिता ने कहा मैं इस पे विचार करूंगा। ये बात कहीं उनके कानों में पहुंच गई होगी। उनने फिर हमारे पूरे परिवार पे दबाव बनाया, कमीशन मांगी। जब हम खुद ही दलाली का काम नहीं कर रहे, उन्हें कमीशन कहां से देंगे? क्या क्या कह रहे थे कमीशन? फिर मेरे पूरे परिवार, कितना कमीशन मांगा था? आप कमीशन का आरोप लगा रही हैं, कितना कमीशन मांग रहे थे? 2% उन्हें 2-3% कमीशन चाहिए था हर काम में। ठीक है। और उनकी बहुत सारी ऑडियो वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने बहुत लोगों से मांगा है कमीशन। ठीक है। एक हमने सुना भी था कि एक बार एक भट्टा मालिक के एसोसिएशन के अध्यक्ष को फोन किया था, उनसे भी मांगा था। ठीक है, तो आपसे कमीशन मांगा है। तो इसके बाद आप कह रही है कि आपके पिता पर लगातार फर्जी मुकदमे लगवाने लगे। जी जी, 354 का मुकदमा मेरी माँ जो खुद चेयरमैन है मौजूदा, मेरे दोनों भाई, मेरे पिता, इन्हीं के एक गुर्गे ने, धीरेन्द्र गुप्ता, मंजू गुप्ता, प्रिंस गुप्ता ने लगातार 3 मुकदमे लिखवाए, 307, 308, 354। आप एक बात बताइए कि एक लड़की के पिता किसी के सामने क्या छेड़छाड़ करेंगे? क्या छेड़ेंगे? वो 50 साल की महिला है। उनने जो हमारे परिवार के साथ, फिर उसमें मनीराम निलंबित भी हुए थे, उनने जो बदतमीजी की थी उसकी वीडियो मेरे पास है। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिससे मनीराम निलंबित हो गए। ठीक है, क्या है मनीराम का मसला, क्या है? लेकिन उस मुकदमे में चार्जशीट, जी मेरे पास वीडियो है। हाँ दिखाइए दिखाइए, किस वीडियो की आप बात कर रही हैं? आप इनकी बदतमीजी देखिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को भी हम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को भी हम देखेंगे शिल्पी जी। अब ये बताइए मुझको शिल्पी, कि आपके पिता एक तरफ हैं और उन पर जो आप बता रही हैं कि उन पर जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इस वक्त वो जिला बदर भी है, मुझे इतनी जानकारी मिली है, तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि इतने पावरफुल सेंटर के खिलाफ आप एक लड़की होकर इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगी और कब तक लड़ेंगी? डर नहीं लगता आपको? मैं जब तक जिंदा हूं मैं लड़ूंगी। वो मुझे मरवा दे, मुझे गम नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरा परिवार बेगुनाह है, तो मैं लड़ूंगी। उनने अपने गुर्गों से इतनी गंदी मुझ पे कमेंट आई है कि मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। देखिए बेटी रो रही है, मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आपने 3-4 दिन पहले उनके गुर्गों ने मुझे स्टॉक किया। आप कह रही हो जो वर्तमान विधायक हैं वो अपने समर्थकों के द्वारा आपको स्टॉक करवाते हैं, आपको परेशान करवाते हैं, आपके साथ छेड़छाड़ करवाते हैं, छेड़छाड़ दी, धमकियां देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं एक बहुत की नहीं कि वो ये चाहते हैं कि मैं उनके घुटनों में गिर जाऊं और जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ वो ना लड़ूं मैं। आप डर जाए उनके सामने। और एक मुकदमा, जी जी, उन्होंने एक मुकदमा मेरे पिता पे लिखवाया, दलित महिला ने छेड़छाड़ की है। ये सारे सबूत है। उन्होंने कहा है, उस महिला ने कहा है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया था। पूरा रिकॉर्ड है, उन्हें कभी नौकरी से नहीं निकाला गया था। ये उन्हीं के
जो दलित के लोग है जो नगर पंचायत में बाहर मोहल्ले पड़ोस के काम है उनने खुद ये दिया है एफिडेविट कि उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है वो महिला, अभी भी वो काम कर रही है यहाँ पर। उनने संजय सिंह गंगवार से पैसे लेके मुकदमा लिखवा दिया। तो ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि संजय सिंह गंगवार के कहने पर ये जो पूरी कहानी है ये रची गई और इसके तहत आपके पिता को फंसाया जा रहा है। कोई एक कोई ऐसा दिग्गज नेता है जो उनके साथ लगा हुआ है कि हमारी आवाज सुनाई नहीं रहा है? एडिशनल कप्तान के सामने खुद एसएचओ ने कहा है कि 308 का जो मुकदमा लिखा है हमने राजनीतिक दबाव में लिखा है। ठीक है, ऐसा कहा गया है? खुद एडिशनल कप्तान को भी पता है कि ये जी किसने कही है ये बात कि ये राजनीतिक दबाव मुकदमे लिखे जा रहे हैं? हर्षवर्धन ठीक है, आप प्रशासन पर आते हैं शिल्पी जी, प्रशासन पर आएंगे। ये बताइए आप किसके किसके पास गई, आपने किनसे बात की और प्रशासन किसके कहने पर काम कर रहा है? क्या वो निष्पक्ष होकर काम कर रहा है? मैं डीआईजी नहीं, मैंने डीआईजी के पास गई थी, कप्तान साहब के पास गई, एडिशनल कप्तान के पास गई, सीओ साहब के पास गई। जब मीडिया मेरा सहयोग कर रहा था, जब शुरू में मेरी वीडियो वायरल हुई थी, तो मैं जब एडिशनल कप्तान साहब के पास पहुंची, उनने कहा कोई धरना मत देना और कि किसी मीडिया से कोई बात मत करना, हम आपकी निष्पक्ष जांच करेंगे। अब वो मेरे पापा को, वो मेरे पिता को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं और जो पुराने मुकदमे हैं मैं उसकी जरूर आपको रिकॉर्ड दूंगी, उसमें कुछ भी ऐसा बेस नहीं है जिसमें हिस्ट्री शीटर हो वो। ठीक है, अब उसे कमीशन को लेकर बात चलती थी मेरे। शिल्पी जी, क्योंकि आप काफी निडर है, ये बताइए उस अधिकारी का नाम बताइए जिसके पास आप गई हो और आप बिल्कुल आप बता सकती हो कि वो अधिकारी सिर्फ विधायक के कहने पर ही काम कर रहा है। सब विधायक के कहने पर ही काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, सत्ता है। जो हमारा साथ दे रहे हैं उनसे कह दिया जा रहा है कि वो हिस्ट्री शीटर है, उनका इनकाउंटर होगा। ठीक है, तो विधायक चाहते क्या है? विधायक ये चाहते हैं कि हम उनके घुटनों में गिर जाएं और बोलते हैं भैया कि आप सही हैं हम गलत हैं। किस मामले में, किस किस लिए चाहते हैं कि वो आप उनके घुटने पर गिरे? रंजिश क्या है, मामला क्या है पूरा? 127 विधानसभा से मेरे पिता भी विधायक ही लड़ने वाले थे। पूरी जनता हमारे साथ थी, सब हमारा साथ दे रहे थे। तो विधायक ही लड़ने से रोकने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है, आप ये कह रही हैं? जी। विधायक ही अब नहीं लड़ पाए ना, उनकी तरह गैंगस्टर लगवा दिया उसी दिन। जिस दिन उनका बीजेपी से टिकट हुआ उसी दिन मेरे पिता पे गैंगस्टर लगी है। ठीक है, तो आप मेरे दो भाइयों पे भी लगी है, आप तीनों को फंसा दिया गया है जिससे कोई कहीं ना जा पाए, अकेले ही लड़ रही हूँ सब कुछ। आप लड़ पाएंगी उनसे, आपको लग रहा है? भैया कोशिश करने में क्या जा रहा, नहीं लड़ पाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन झुकूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। जब मैं गलत नहीं हूँ मैं नहीं झुकूंगी। देखिए आप, मेरे पास इतने सबूत रखे हैं, कोई देखने वाला हो, 85 वीडियो हो, कोई देखने वाला भी तो हो। आपकी बात जो है वो विधायक ने भी सुनी होगी, क्या विधायक के द्वारा किसी भी तरह से आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई, किसी भी तरीके की विधायक की तरफ से बातचीत करने? विधायक दबाव बना रहे हैं कि समर्थन दे दे, हम समर्थन नहीं देंगे। ठीक है, 127 विधानसभा से वो कहीं से नहीं जीतेंगे और योगी मोदी के उस नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। व्यक्तिगत उनका 5,000 वोट नहीं है और व्यक्तिगत हमारे 30,000 वोट है। तो आपके पिता का हमें चेयरमैन ही लड़ाई तो विधायक। ठीक है, आपके पिताजी को जो मुकदमे लड़े, विधायक तो है नहीं वो, तो पैरोकारी कौन कर रहा है, मतलब आपके पिताजी की तरफ से? नहीं रहेंगे जी। ठीक है, तो आप नहीं हूं, मैं ही कर रही हूं। ठीक है, आपने आपके पिताजी से तो आपकी बात होती होगी, पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी क्या कहेंगे, वो यही कह रहे हैं परिवार को गलत कर सीटा, मैं क्या बात। क्या मांग है आपकी शिल्पी जी, आप अपनी बात बताइए। इतनी गंदी गंदी कमेंट चल रहे हैं, उनके बुर्गे की बेटी हो, आगे बढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, क्या एक बेटी अपने पिता के लिए लड़ नहीं सकती है? मेरे पिता निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष ही रहेंगे। क्योंकि आप बीजेपी में भी थे पहले, तो आपने बीजेपी के किसी शीर्ष नेता को, बीजेपी के किसी बड़े नेता से आपने बातचीत करने की कोशिश की, किसी बड़े नेता से? सबको पता है,
लेकिन वो तो हाँ, मैंने एक नेता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे भगा दिया, बोले कि गुंडे लोग हो तुम लोग, चले जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ अभी मुकदमा लिखवाऊंगा यहीं पर। ठीक है, हो सकते हैं कोई भी बात जो है उसका जो निर्णय है वो तो न्यायालय करेगा, लेकिन ये बताइए क्योंकि आप एक बेटी हैं और ये जो प्रदेश में जो हाँ, सरकार चल रही है ये बेटियों को लेकर ज्यादा प्रायोरिटी दिखाती है, प्राथमिकता दिखाती है, तो आपने किसी बीजेपी के शीर्ष नेता या बड़े नेता से बातचीत करने की कोशिश की थी? हेलो, हाँ ठीक, आपकी आवाज आ रही है, ये बताइए आपने किसी बीजेपी के बड़े नेता शीर्ष नेता से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो सरकार है प्रदेश में ये बेटियों को ज्यादा प्राथमिकता देने की बात करती है। शिल्पी जी, आप मुझे एक बात बताइए सर, एक बेटी दर दर भटक रही है ये बात पूरे जिला को पता है, तो क्या अब सरकार को नहीं पता होगा? मैंने सबको भेजा है डाक द्वारा, मैंने सबको अपनी रिपोर्ट दी है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तक बेटी आपकी बचाओ, कोई सुनवाई ऐसी बेटियां बचेंगी, कोई सुनवाई नहीं आपकी? नहीं, क्योंकि वो बहुत दिग्गज नेता है ना, उनके पास पैसा है, पावर है, सत्ता है ना। तो आपकी जो ये मैं अकेले लड़ रही हूँ वो ठीक है, तो मतलब जो वर्तमान विधायक हैं वो अपनी जो शक्तियां हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हुए आपके पूरे परिवार को लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार का। भैया 308 के मुकदमे में एक चेयर और एक मोबाइल लूट जाएंगे, आप बताइए चेयरमैन इंसान क्या एक मोबाइल या चेयर लूटेगा? आप बताइए, जिसने कम से कम 10 कैंसर के इलाज करवा, 20 लड़कियों की शादी कराएंगे, 10 घर हमारे घर से चल रहे हो, वो एक चैन और एक मोबाइल चोरी करेगा, वो भी चेयरमैन होते हुए, और 354 का मुकदमा 5 लोगों के पे लिखा गया, कौन सा बेस होता है जिसमें पूरा परिवार छेड़छाड़, क्या छेड़छाड़ करेगा उनसे? और ये जो विधायक 307 का मुकदमा, 308 का मुकदमा, ठीक है, ये 308 का मुकदमा, 354 का मुकदमा लिखवाया गया। ठीक है, ये जो विधायक हैं आपके संजय सिंह गंगवार जो हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं? मतलब ठीक है अगर राजनीतिक कोई लड़ाई है ठीक है, लेकिन आपने पर्सनली कभी बात करने की कोशिश हुई हो व्यक्ति विशेष की अगर मैं बात करूं तो कैसे व्यक्ति? ये एक चापलूस इंसान है, घटिया इंसान है, मानवता नहीं है इनके अंदर। जब ये किसी की लड़की को इतना नीचे गिराने की सोच रहे होंगे तो कितना घटिया इंसान होगा। और 127 विधानसभा ने इसका कड़ा जवाब देगी। नहीं, वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पिता ने कोई अपराध किया है तो उसपे पुलिस का काम रोल नजर आता है, बाद में न्यायालय का रोल नजर आता है, ठीक है, तो इसमें ये विधायक जी कहाँ न्यायालय में किसी में दोषी नहीं करार हुए हैं, इसमें विधायक का क्या रोल किसी है? में न्यायालय पुलिस का रोल समझ आता है, इन्हीं ने तो सब फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं, ठीक है, इन्हें अपने गुर्गो से सब फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं, हमारे कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम सबके पास हुआ है, पता नहीं हमारे क्या हो सकता है, हमें जान के खतरे में, पता नहीं हमें कभी भी मरवा भी सकते हैं वो। नहीं, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रही हैं, जान खतरे में क्या मतलब है आपका? नहीं, हम आरोप नहीं भैया, जान खतरे में ही हमारे। कैसे आपको कैसे लगता है खतरा है? क्या कैसे खतरा महसूस हो रहा है आपको, थोड़ा बताइए भैया। वो एक बहुत चालाक किस्म का इंसान है, वो कुछ भी करा सकते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उस पर फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं, जेल पहुंचा देते हैं, हमने अंधारे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ यही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चुनाव तो निकल गया आपके पिता, बस मैं भी है कि ठीक है चुनाव का, तो चुनाव से कोई, अब आपके पिता चुनाव नहीं लड़ रहे तो ऐसे में तो मुझको बस इतना बताइए कि चुनाव ठीक है नहीं लड़ रहे हैं, तो अगर लड़ाई सिर्फ ये थी कि आपके पिता चुनाव में खड़े हो गए इसलिए लड़ाई थी तो वो तो अब खत्म हो जानी चाहिए जी, ये वही तक सीमित है या अभी भी जारी है? अभी अब इसने व्यक्तिगत ले लिया। अच्छा भैया, इनके विरोध में बोल दिया ना हमने, अब इनने व्यक्तिगत ले लिया, इनके ईगो पे लग गई, ये चाहते नहीं है कि हम कोई इनकी कोई छवि कहीं खराब हो, क्योंकि इन्हें आगे ऐसे आगे बढ़ना है और लोगों को चलते हुए चले जाएंगे आगे, ये कहते हैं कि हमारा उनसे कोई मतलब भी नहीं है, जब कोई मीडिया या कोई बात करती है तो सब मतलब भी बता देते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति के जब वो व्यक्ति है, इस तरीके से आज आप बता रहे हैं कि आप
को उनसे खतरा भी महसूस होता है, डर भी लगता है और इस तरीके से आपके पूरे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो बीजेपी ने उनको एक और बार फिर टिकट क्यों दे दिया? बीजेपी से वो क्यों लड़ रहे हैं एक और बार? पता नहीं मतलब पता नहीं है, जिलाध्यक्ष जो है बीजेपी के उनको इसकी जानकारी नहीं है या प्रदेश नेतृत्व को इसकी जानकारी नहीं है, समस्या क्या है? भैया एक बात बताऊं, जिसका चमकता है चेहरा ना उसके साथ हजार लोग खड़े हो जाते हैं, और जिसका बुरा वक्त खराब होता है ना, मंत्री का किस बड़े नेता का हाथ है, किस बड़े नेता का हाथ है इस विधायक के ऊपर? वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो किस नेता से सपोर्ट लेके ये सब कुछ करा रहा है। योगी जी से मेरा किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, इसलिए मैंने सारी पार्टियां छोड़ दी, वरना वो ये कहते कि पार्टी के विरोध में बात करी जा रही है, राजनीति की जा रही है, इसलिए हमारी किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी से कोई विरोध नहीं है, बस जो वर्तमान विधायक है वो आपके पूरे परिवार को अपनी जो विधायक की उसे जो पावर्स मिली हुई है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए पूरे परिवार को आपका प्रताड़ित कर रहा है। हमारे नहीं, पता नहीं कितनों के साथ कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा था एक, किन्ने किसी पे फर्जी मुकदमा लगवाया, वो बच्चा बेचारा ऐसे ही रोता चला गया और वो माँ को जेल पहुंचा दिया। ठीक है, आपके भाइयों पर अगर आपके पिता पर इतने मुकदमे लिखवा दिए, आपके भाइयों पर मुकदमे लिखा दिया, आप बता रही हैं भाई के ऊपर, आप इतना मुखर होकर बोल रही हैं मुकदमे आप पर भी लिख जाएंगे? कोई बात नहीं, अब तो हम बर्बाद ही हो गए ना, कोई बात नहीं, लिखवा दें, वो लिखवा दे, हम पे लिखवा दे, मरवा दे, वो कोई दिक्कत नहीं। जिसका पूरा परिवार ही तबाह कर दिया उसे क्या जिंदगी और मौत से वो डरे लगेगा? मेरी माँ पर 354 का मुकदमा लिखवाया, आप बताइए एक चेयरमैन इंसान होकर 354 का मुकदमा उनपे लिख सकता है? तो वो तो पिता तो मेरे फिर भी एक आम इंसान ठहरे। कितने समय से आपका परिवार इन मुसीबतों से जूझ रहा है, कितना समय हो चुका है? तीन साल से। तीन साल से इसी तरीके से लगातार। पहले मेरे पिता चेयरमैन ही लड़ना चाहते थे, तो थोड़े दो चार 151 जुए जैसे मुकदमे लग गए, उसी में हिस्ट्री शीटर बना दिया है, लेकिन मेरी माँ चेयरमैन बन गई फिर भी। ठीक है, वो जो पल जब आप पता होता है, ठीक है, अब एक बात बताइए एक बेटी के तौर पर, क्योंकि वो आपके पिता हैं माता हैं, अब आप जब देखती हैं, आप जब देखती हैं कि आपके पिता पर मुकदमे हो रहे हैं, आपकी माँ पर भी मुकदमा हो रहा है, तो कैसा महसूस होता है, कितनी परेशानी होती है? क्योंकि आपकी जो एज है उसमें यह है कि आपको पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है, लिखना है, आगे जीवन जीना है, लेकिन ये सब आप देख रही हैं इस वक्त। कैरियर खराब कर दिया मेरे दोनों भाइयों का, सबका। पूरा परिवार इतना परेशान है, करे तो करे क्या। ठीक है, तो देखिए योगी जी, आपके शासन में रहे हैं वो, आपके शासन में एक बेटी रो रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार लखनऊ से उठती आवाजें ये कहती है कि इस प्रदेश में जो सरकार है वो बेटियों का ख्याल रखती है और किस तरीके से बेटियों को प्राथमिकता में रखती है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये तस्वीर आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी, तो ये तस्वीर जरूर देखिए और समझिए कि आपके ही विधायक से एक बेटी किस कदर त्रस्त है, और वो सीधे तौर पर वो आरोप जो है किसी प्रशासनिक व्यवस्था पर नहीं लगा रही है, वो आरोप लगा रही है एक विधायक पर कि उसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। वो दरअसल इतना ताकतवर हो चुका है वो विधायक, इस बेटी का आरोप है कि वो इतना ताकतवर हो चुका है कि प्रशासन को अपनी कठपुतली बनाकर किस तरीके से एक पूरे परिवार को तबाह करने पर लगा। शिल्पी जी, अगर आप योगी जी मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहें तो जाते जाते आप मुख्यमंत्री जी से, शिल्पी जी क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, अगर आप कहना चाहें तो सीधे। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं हूँ, आपको जो भी गाइडलाइंस मिल रही है वो गलत मिल रही है। मेरे पास सारे सबूत रखे हुए, मेरा किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, इसलिए जो पार्टियां मेरा उपयोग कर रही थी वो मैंने मीडिया के सामने बोल दिया कि हमने सारी पार्टियां छोड़ दी हैं, हम किसी पार्टी में नहीं है। कौन सी पार्टी आपका उपयोग कर रही थी, कौन सी पार्टी है? कोई भी पार्टी, कोई
बोले कि वो बीएसपी से, उन्होंने बीएसपी से टिकट की मांग की थी, तो लोग कह रहे कि वो बीएसपी में है, वो बीएसपी में भी नहीं है, वो सपा में भी नहीं है, वो बीजेपी में भी नहीं है, वो किसी में नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके पिता किसी पार्टी में हैं, हम एक आम इंसान हैं और हम सरकार से मदद चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी में रहेंगे तो लोग कहेंगे पार्टी विरोध कर रही है, इसलिए आपने पार्टियों से, इसलिए हम किसी पार्टी में नहीं है। जी जी, ठीक है, चलिए, तो पूरी जनता देख रो रहे हैं, आप कहो तो मैं 10-20-30 हजार आदमी खड़ा कर सकती हूँ। नहीं नहीं शिल्पी जी, ठीक है, आपके आंसू जो है, आपके आंसू जो है वो आज पूरा प्रदेश देख रहा है, और देख रहा है कि किस तरह से एक बेटी जो रो रही है और बता रही है कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया है एक बीजेपी विधायक ने, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसा बता रहे हैं। जी चलिए शिल्पी जी, मैं आप सबसे इतना कहूंगा कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, भारत एट नाइन की पूरी टीम और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके साथ है, और लगातार हम इस लड़ाई को आपके लड़ते रहेंगे जब तक इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष जो जांच है वो ना हो, जब तक इस मामले को पूरी तरह से खोला ना जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल पूरे तरीके से निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल जिनका रोल है वही, जब हम गलत नहीं है तभी हम इतना खुल के बोल रहे हैं, बिल्कुल जो जिनका रोल है वही इस रोल में, कोई नहीं बोल सकता। हाँ बिल्कुल, और विधायक का इसमें कोई, मुझे नहीं समझ में आता कि विधायक का क्या रोल है, अगर कोई मामला दर्ज है तो उसमें पुलिस का अपनी जांच करेगी, और साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है, क्योंकि आप बता रहे हैं बोलते हैं विधायक ये कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन जो आप बता रही है जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस घर में देर अंधेर नहीं है, जो स्थानीय पुलिस है वो पूरा विधायक के कहने पर ही जिस तरीके से कार्य कर रही है, विधायक के निर्देश पर। जी हाँ जी, एडिशनल कप्तान के साथ एसएचओ ने खुद ये बात रखी है कि हमने राजनीतिक दबाव में ये मुकदमे लिखे हैं। ठीक है, एडिशनल एसपी के सामने खुद बोला, उन्होंने कहा कोई भी धर्म, जी उन्होंने ये बोला था कि आप कोई धरना मत रखना और मीडिया की बातों में मत आना। नाम क्या है उस एडिशनल एसपी का? उस एडिशनल एसपी का नाम क्या है शिल्पी? एडिशनल पीलीभीत के एडिशनल पवित्र मोहन त्रिपाठी, पवित्र मोहन त्रिपाठी, पवित्र मोहन त्रिपाठी, मोहन त्रिपाठी, तो पवित्र मोहन त्रिपाठी एडिशनल एसपी हैं, इनको भी सारी जानकारियां हैं, और ये बता रहे हैं, आप कह रही हैं कि इनको पता है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये मुकदमा जो है वो किया गया है जी। तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है। डाकघर की जमीन खरीद ली है भैया, एक एक मैं लास्ट बात और बोलना चाहूंगी। हाँ। मेरे पिता के ऊपर एक आरोप है कि इनने सरकारी जमीन खरीदी है डाकघर की। हाँ। जिसमें डाकघर ने खुद कहा है कि हमारी घाटा संख्या अलग है और इनकी घाटा संख्या अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरे पिता का उसमें कोई रोल भी नहीं है, ना मेरे पिता के नाम जमीन है उसमें, भी मेरे पिता को गैंगस्टर में लीडर बताया गया है। ठीक है, मैं समझ गया, आप ये कह रही हैं कि जो विधायक है, जो विधायक है उसके कहने पे प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन विधायक पूरा मिलकर एक सिंडिकेट क्रिएट किया गया है जो आपके परिवार को पूरी तरह से तबाह करने की एक लगातार रणनीति बनाई जा रही है, साजिश बनाई जा रही है, और इस तरीके से आपके परिवार को एक तरीके से राजनीतिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी खत्म करने की कोशिश है। भैया 3 साल से मैं अकेले रह रही हूँ, मेरी माँ अकेले रह रही है, मेरे घर कोई भी नहीं है, मैं अकेले दर दर भटक रही हूँ। मैंने खुद योगी जी का इतना प्रचार किया कि योगी जी करती थी मैं, कि इसमें लड़की सपोर्ट, लड़कियों का सपोर्ट होगा, उनकी सुनवाई होगी। मैंने खुद कमल के फूल को वोट डाला था, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन थी कि योगी जी इतना अच्छा काम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे न्याय नहीं देंगे। इंसान कभी झूठा नहीं हो सकता, अगर वो सच है तभी तभी इतना आगे बढ़ता है। नहीं, आपकी जो मैं अकेले उनके पास रावण है, उसके पास पूरी सेना। नहीं देखिए शिल्पी, आप रोइए मत, सबसे पहले तो ये है कि आप रोइए मत, जिस तरीके से निडरता के साथ आप अपनी आवाज रख रही हैं, जिस निडरता के साथ आप अपनी बात रख रही हैं, ये ताकत तभी आती है जब आप सच बोल रहे हो, और आप सच बोल रही हैं, तो याद रखिए इस बात को कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, मुझे जहां तक जाना पड़े मैं जाऊंगी, बिल्कुल सत्य पराजित नहीं हो सकता, आप इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिए, आप काफी निडर हैं, और हम इस लड़ाई में एक भाई के तौर पर मैं आपके साथ हूं, और लगातार हम अभी अधिकारियों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, और ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, और आपको भी दिखाएंगे, और निष्पक्ष जांच के हम इसमें
कहेंगे कि उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ना ही स्थानीय पुलिस जो है, जो दरअसल एक सिंडिकेट के तौर पर काम कर रही है, उसके थ्रू जांच का कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? हम निष्पक्ष जांच की जो है एक डिमांड कर रहे हैं। भैया मैं सारे एविडेंस दे आई हूं सीओ सिटी को, सीओ सिटी के पास जांच पहुंची थी पुनः, मैंने उन्हें सारे एविडेंस दिए हैं, उन्होंने कहा जो न्यायालय में पहुंच चुके हैं वो न्यायालय से ही खत्म होंगे। आप बताइए जब आप फर्जी मुकदमा लगा सकते हैं तो खत्म नहीं कर सकते हैं? पुलिस ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरे पास वो भी वीडियो है। क्या बदतमीजी की आपके साथ? मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, मेरा भाई खाना खा रहा था, उसे ले गई पुलिस निकाल के, कैमरों में आ गए, उन्हें लगा कि कैमरे खराब हैं, मेरी माँ और मैं खींच रही हूँ उन्हें, तो उन्होंने मुझे तक पकड़ लिया है। वो वीडियो है आपके पास? इतनी बदतमीजी की मुझसे, बोला तुम्हारे खिलाफ भी हाँ वीडियो वीडियो है, फुटेज है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, चलिए तो वो वीडियो भी हम भी चलाएंगे, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। चलिए शिल्पी जी, हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, बिल्कुल, और मैं आपसे बात करता रहूंगा, आपसे अपडेट लेता रहूंगा, ठीक है शिल्पी? अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, रोइएगा मत, ठीक है? बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, अगर आप सच कह रही हैं, सच है सब कुछ, तो सच कभी पराजित नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिए। और आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत लीडर हैं, कोई गम नहीं है, मेरा परिवार बच जाए। बिल्कुल, आप प्रदेश की बेटी हैं, आप पूरे परिवार के लिए लड़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के लिए अकेली खड़ी हैं, अकेली लड़ रही हैं, कोई कितना भी ताकतवर हो, आपको घबराने की अब कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, अब हम भी आपके साथ हैं, आप इस बात का यकीन करिए, ठीक है? और एक ही बात है, जो दूसरी ताकतें हैं वो जो देख रही हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं, हाँ, और जो दूसरी ताकतें हैं उनसे बस यही कहना मेरा कि अगर सच की आवाज को आप ज्यादा दिन दबा नहीं सकते, बाकी ये है कि अब हम ये मांग जो है कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, अगर रोक सके तो रोक लीजिएगा। शिल्पी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।